का इंतजार इस बात का हो रहा है कि आज खाने पीने में क्या है। वैसे हमारे दर्शक भी चाहें तो स्वामी जी बता सकते हैं कि उनके घरों में सर्दियों के मौसम में ऐसा उनकी माताएं क्या बनाती हैं घर में जिससे सर्दियों में गर्मी का एहसास होता है। तो स्वामी जी आप भी तैयारी करें, तब तक मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। थकान, पेट, कमर में दर्द, घटता हुआ वजन, क्या ये हैं डायबिटीज के लक्षण? लगातार इंबैलेंस शुगर लेवल से क्यों बढ़ा पैनक्रियाटिक कैंसर का डर? योग गुरु बताएंगे डायबिटीज कैसे होगी कंट्रोल, पैनक्रियाज बनेगा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग, कल सुबह 7:56 पर। तो स्वामी जी आज क्या बनाना सिखाने वाले हैं? तो देखो, एक तो ये मोरिंगा ना, ये जो आप बता रहे थे ना, आपके जो मित्र हैं उनकी पत्नी के पैर दुखते हैं, सल चलती है, तो मोरिंगा का काढ़ा बना करके पी ले। मोरिंगा में थोड़ा सा हरा धनिया भी मिला दे तो इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, और धनिये से थायराइड की प्रॉब्लम भी दूर होती है, क्योंकि आज थायराइड भी हमारा मेन सब्जेक्ट था। तो थायराइड में धनिया के पत्ते भी और धनिये का ये बीज भी, धनिया को थोड़ा कूट करके हल्का सा दरदरा सा उसको डाल देते हैं। अब इसकी सुगंधी इतनी अच्छी आ रही है, ये देख करके ही अच्छा लग रहा है। ऐसे सामान्य रूप से थायराइड में धनिये का पानी और हम थायरोइड देते हैं, थायराइड अच्छा हो जाता है। ये तो हुआ थायराइड के लिए। अब जिनको ठंड बहुत लगती है, एक तो मैंने खजूर बोला था, खजूर भी हमने सबको उपलब्ध करा दिया कि भाई सब अपना मजे से खजूर खाओ और तगड़े हो जाओ। सबसे अच्छा उपाय, सबके घरों में दूध तो होता ही है, दूध के अंदर ये हल्दी को ऐसे, ये कच्ची हल्दी आजकल कोरोना के बाद पूरे देश में सब्जी वाले रखने लग गए, नहीं तो पहले सब्जी वाले नहीं रखते थे, अब लोग अपने खेतों में बोने भी लग गए और सब्जी मंडी में ऐसे कच्ची हल्दी मिल जाती है। अब ये हल्दी को कद्दूकस ऐसे कस ले, और आजकल तो ऐसे मोटी मोटी भी हल्दी मिलने लग गई है, अब ये तो मोटू राम है पूरा, तो इसको ऐसे डालेंगे और इसमें पूरी हल्दी ऐसे ये डाल करके, तो जिनको केसर में उपलब्ध हो जाए फिर तो बात ही क्या है, तो केसर भी डाल सकते हैं। अब केसर डाल करके यदि पीते हैं दूध तो ये तो और ही ज़्यादा गुणकारी हो जाती है केसर। और इसमें यदि थोड़ा सा अश्वगंधा, थोड़ा सा शतावर या सफ़ेद मुसली मिला दी, तो ये सतावर और अश्वगंधा ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो ये थोड़ा सा सतावर, थोड़ा सा अश्वगंधा ये भी मिला देते हैं तो ये तो सुपर पावरफुल हो जाता है। और ऊपर से यदि इसमें ये शिलाजीत ड्रॉप डाल दिया तो फिर तो रजाई, कंबल, स्वेटर सब गायब, और टेस्ट इतना अच्छा आता है इसका। और इसमें यदि थोड़ा सा गुड़, शक्कर या हनी मिला दें, सारे पकवान फीके पड़ जाते हैं। तो आज का ये सुपर हिट शो है अपने भीतर की हीट को मेंटेन करने के लिए। क्या बात, क्या और बात? ये आज वाली जो डिश है ना, ये तो घर में जरूर ट्राई करना, लोगों का रजाई का, कंबल का, स्वेटर का खर्चा भी कम हो जाएगा और मस्त रहेंगे। तो जिसे भी सर्दी लगे, आज का कार्यक्रम जिससे मिस हो गया वो यूट्यूब पर देख ले, और सर्दी में उसे होगा फिर गर्मी का एहसास। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।